जावा की जो दोनों बाइक्स लॉन्च हुई हैं शोरूम्स में दिल्ली में 22 दिसंबर को खुले हैं। इसकी सीट पे जावा की ब्रांडिंग करी है। जो टैंक है आप ये देख लीजिए, क्रोम के साथ थोड़ा सा पेंट हुआ हुआ। Hey, what's up, lovely people? This is Joel. Welcome back to the channel, everyone. I hope you're doing absolutely fine. So, दोस्तों, आज मैं आया हूँ जावा के शोरूम में और आपको दिखाऊंगा जो जावा की लेटेस्ट बाइक्स लॉन्च हुई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। एंड बिफोर आई शो द बाइक्स, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जेडी व्लॉग सेली, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं आपको आज जावा की जो दोनों बाइक्स लॉन्च हुई हैं, दैट इज़ जावा क्लासिक और जावा 42, और ये 15 नवंबर को जावा ने बॉम्बे में शो अनवील करी थी और उसके बाद अब शोरूम्स में दिल्ली में 22 दिसंबर को खुले हैं और साथ में ये बाइक्स यहाँ पे अनवील हुई हैं, अवेलेबल हैं। तो इस समय मैं हूँ झंडेवाला के शोरूम में जो दिल्ली में ही है, और आप अगर करोलबा की तरफ से आ रहे हैं तो झंडेवाला मंदिर वाला चौक है, उस चौक में राइट आपको दिख जाएगा ये शोरूम सर्विस लेन में। सो दोस्तों, दिखाते हैं आपको बाइक्स और एंजॉय करिए सिनेमैटिक शॉट्स। सबसे पहले आपको क्लासिक दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं जावा 42 दिखाऊंगा। देखने में तो बहुत अच्छी बाइक्स हैं। सो दिखाते हैं दोस्तों बाइक्स। सबसे पहले एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ दोस्तों आपको बाइक का। सो दिस इज़ अ जावा फॉर क्लासिक, एंड ये इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करा, ये वही गाड़ी है जो सबसे पहले इंडिया में थी जावा। इसको रेट्रो ही लुक दिया है और तभी करके इसका नाम क्लासिक रखा है। पूरी रेट्रो के लुक के साथ ये गाड़ी आई है। थोड़े से कुछ चेंजेस रखे हैं गाड़ी के अंदर दोस्तों, सो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है चेंजेस। सो बहुत सारे भाइयों ने इसकी जो कंपैरिजन है रॉयल एनफील्ड क्लासिक के साथ करने शुरू कर दिए हैं। सो फ़र्क तो है ही है डेफिनेटली, अगर ये गाड़ी लॉन्च करी है तो। और दोस्तों, एक और चीज़ है, जावा की ये जो गाड़ी है महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन हुई है एंड क्लासिक लेजेंड्स कंपनी का नाम है। एंड मज़ा आ रहा है आपको ये सिनेमैटिक शॉट जो क्लोजअप दिखा रहा हूँ गाड़ी का, ये पीछे से देख लीजिए दोस्तों गाड़ी की लुक्स। पीछे से दो सिलेंसर निकलते हैं एंड कोई चेंजेस नहीं है। जो ये लाइट है वही रेट्रो लुक है, इंडिकेटर्स। इसकी सीट पे जावा की ब्रांडिंग करी है, स्लीक सीट है, और ये जो टैंक है आप ये देख लीजिए, क्रोम के साथ थोड़ा सा पेंट हुआ हुआ, वही पुरानी लुक्स दोस्तों। कि हेडलाइट के बीच में ही ये जो आपका स्पीडोमीटर कंसोल है वही है, बट इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया है। काफ़ी चेंजेस हैं इसके अंदर। ग्रिप्स के ऊपर अगर आप देख सकते हैं जावा की ब्रांडिंग है और थोड़ा सा क्रोम है। ये सेम थ्री लाइंस जो टूल बॉक्स है साइड के, उसमें पहले जैसे होती थी वही चीज़ है। ये देखिए दोस्तों, इसकी ओरिजिनल जावा ब्रांडिंग। ये इंजन ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक पे भी आप ये देखिए जावा की ब्रांडिंग करी गई है। जिस सिंगल सिलेंडर है गाड़ी का, ट्विन सिलेंसर जैसे पहले होता था वैसे ही है, आप ये देख लीजिए। ये जावा की ब्रांडिंग, ये टैंक पे जावा की ब्रांडिंग दिखेगी आपको। अगर मैं फ्रंट से बात करूं तो दोस्तों, ये है इसकी हेडलाइट। हेडलाइट वैसी की वैसी रेट्रो लुक दी हुई है और ये सामने हॉर्न, सिंगल हॉर्न नीचे दिया गया है। सो फ्रंट में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये है इसका फ्रंट में सिंगल डिस्क और ये ABS है। सो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को जो लगी है दोस्तों, ये इग्निशन स्विच, ये देख लीजिए चाबी जो है बिल्कुल इंजन के साइड पर रखी गई है। ये है जावा की ब्रांडिंग इंजन ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर पे। सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों देखने की ये है कि इसमें किक नहीं है इस गाड़ी के, और ये विदाउट किक है गाड़ी। यहाँ पे भी देख लीजिए ब्रांडिंग दी गई है इंजन पे, और यूरो 6 रेडी है ये। ये गाड़ी दोस्तों आपको कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना है, और मेरे चैनल जेडी व्लॉग्स डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम की ID स्क्रीन के नीचे आ रही होगी। और इसकी क्रोम की भी क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। अगर ये क्लासिक की प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,64,000 रुपये, 1,64,000, और ऑन रोड पड़ेगी 1,91,000, 1,91,000 की।
यहाँ पे रेडिएटर लगा है फ्रंट के अंदर बिल्कुल इंजन के सामने, और ये ऑयल लिक्विड कूल्ड है, कूलेंट डलता है। और साथ में इसके यहाँ पे ये देख लीजिए रेडिएटर फैन है। इस गाड़ी के अंदर सिंगल सिलेंडर डॉक फोर वॉल्स लिक्विड कूल्ड इंजन लगा हुआ है। सो दोस्तों, अगर इसकी मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर 293 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो प्रोड्यूस करता है 27 bhp की इंजन आउटपुट। और ये गाड़ी और जो दूसरी वाली गाड़ी जो इस समय शोरूम में अवेलेबल है जावा 42, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इस जस्ट दी कलरिंग्स और थोड़ी सी इसको रेट्रो लुक दिया गया है, जैसे पहले आती थी जावा वैसे ही है। उसमें थोड़े से चेंजेस करे हैं, थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस, थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करी है, तो उसको थोड़ा सा प्राइसिंग में थोड़ा सा हल्का करा गया है। अभी ये इसका मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए इसका स्पीडोमीटर, ये देखिए स्पीडोमीटर इसका कैसे लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। इसमें आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर पे यहाँ पे ये ABS का है निशान, ये आ रहा है, ये न्यूट्रल है। सो दिस इज़ हेडलाइट बैटरी का है। और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें आपका यहाँ पे ऊपर ओडोमीटर है जो, और ये है पूरी फ्यूल गेज बताती है। मैं तो बोलूँगा मज़ा आ गया दोस्तों, सब कुछ एक ही स्पीडोमीटर में डाल दिया है इन्होंने, और क्या चाहिए आपको। सो आपको सबसे अच्छी चीज़ फ्रंट में दिखाता हूँ, ये इसकी लाइट देख लीजिए। मैंने जैसे ऑन करी हुई है इग्निशन, तो इसकी लाइट कैसी है ये देख लीजिए, बहुत ही रेट्रो लुक है। एंड इसमें LED नहीं है, नॉर्मल वैसे जैसे पहले आती थी वही है। तो ट्यूब है इसके अंदर, हैलोजन ट्यूब। दोस्तों इंडिकेटर का फंक्शन ये गाड़ी के साथ कैसे है, सिंपल है, क्रिस्टल नहीं रखा हुआ। पीछे से दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए दोस्तों पीछे से आप गाड़ी को। दोस्तों आपको जावा 42 की वॉक अराउंड दे देता हूं, और ये गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं है, इंजन रिमेंस द सेम, इट्स जस्ट द कलरिंग और थोड़ी सी चेंजिंग है कॉस्मेटिक जिसको बोलते हैं। ये 42 में सबसे पहले आप देख लीजिए गाड़ी के पीछे यहां पे 42 लिखा गया है, और सेम गाड़ी के अंदर 293 सीसी का इंजन है, 27 bhp की आउटपुट है, 6 गियर्स हैं गाड़ी के अंदर, और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यस दोस्तों, इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है दैट इज़ एक्स शोरूम प्राइस 1,55,000, 1,55,000 रुपये, और ऑन रोड ये पड़ेगी 1,81,000 रुपये में। सो इसकी फ्रंट की जो आप लाइट्स देख सकते हैं, रेट्रो लुक थोड़ी सी दी गई है। उसमें एक चेंज है, जैसे क्लासिक में जो स्पीडोमीटर था वो हेडलाइट के बीच में था, इसमें थोड़ा सा बाहर अलग निकाल के लगाया गया है, ये ऐसे है, और दोनों के स्पीडोमीटर सेम है। तो दोस्तों इसकी फ्रंट लुक्स आप देख सकते हैं गाड़ी की कैसी है, और जो इसका मडगार्ड है फ्रंट का ये भी डुअल टोन के अंदर है, इसकी थोड़ी चेंजेस ऐसे हैं एंड सेम थिंग, बट क्लासिक में थोड़ा सा फ़र्क है वो पूरी रेट्रो लुक के साथ ही। तो जावा क्लासिक और जावा 42 में सिंगल चैनल ABS है, पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं, फ्रंट में ABS विद डिस्क है, एंड दोनों में दोस्तों ये यहाँ पे फ्रंट में रेडिएटर है लिक्विड कूल्ड, और यहाँ पे पीछे ये फैन दिया गया है रेडिएटर का। इसमें भी आपको दोस्तों किक नहीं मिलेगी, सो दिस इज़ विदाउट किक, एंड पीछे ये ड्रम ब्रेक है। सो कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, आवाज़ सेम है गाड़ी की, बट ये है कि इसमें 6 कलर्स कंपनी ने लॉन्च करे हैं, उसमें सिर्फ अभी तक जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है वो सिंगल यही कलर अवेलेबल है, और ये सिर्फ झंडे वलान जो जावा का शोरूम है वहीं पे क्लासिक अवेलेबल है, दिल्ली में अभी तक अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी शोरूम में पूछा है, बट ये मज़ा आ गया देख के दोस्तों। दोस्तों जो इसका ये जो हैंडल है वो क्लासिक के कंपैरेटिवली थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा फ्लैट है, और जो राइडिंग पॉस्चर को थोड़ा सा
बेहतर बनाता है एज़ पर द कंपनी. जब टेस्ट ड्राइव लेंगे तो पता चलेगा कैसे ही है. सो टेस्ट ड्राइव जो मिलेगी हमारे को सिर्फ 42 की मिलेगी. चला के देखते हैं पिकअप कैसी है, आउटपुट कैसी गाड़ी की. मज़ा आ गया देखे. सो कैसा लग रही है दोनों गाड़ियाँ आपको दिखा दी हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है. तो अभी दोस्तों एक न्यूज़ मिली है फ्रॉम द शोरूम दैट कंपनी हैज़ लॉन्च डुअल चैनल ABS. सो अभी तक तो जो अवेलेबिलिटी है गाड़ियों की ये सिंगल चैनल है, पीछे ड्रम ब्रेक है. बट जो आप नई गाड़ी बुक कराएंगे उसमें ऑप्शन आपको डुअल चैनल ABS विद डिस्क ब्रेक मिलेगी. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों. आप गाड़ी को शोरूम में आके बुक करा सकते हैं. झंडे वलान है, पूरी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं. एंड प्लीज़ वॉक इन, आप आके बुक कराइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए. सो दोस्तों आज का वीडियो जो मैंने बनाया है जहाँ पे मैंने आपको जावा की क्लासिक गाड़ी और जावा 42 दिखाई है, पूरा वॉक अराउंड दिया है विद फुल स्पेसिफिकेशंस. ये वीडियो आपको दोस्तों आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना. और ये मैं वीडियो ज़रूर लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था जब ये शोरूम खुले थे दिल्ली में 22 दिसंबर को. और तो उसके बाद थोड़ा सा बिजी था, क्रिसमस आ गया, नया साल आ गया, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है. वीडियो में लेट ज़रूर हूँ, काफ़ी भाइयों ने वीडियो बना चुके हैं बट मेरे को भी आया था, कमेंट आ रहे थे आप भाइयों के जोएल भाई आपका वीडियो नहीं आया. तो दोस्तों मेरे भाइयों, मेरी जो फैमिली JD ब्लॉग्स दिल्ली की है उन सब के लिए आपकी फरमाइश पे दोस्तों ये वीडियो है. और इसकी जो एक और वीडियो अभी आएगा दूसरा वाला वो टेस्ट ड्राइव का होगा. सो ये ओवरऑल वीडियो जो मैंने आज बना दिया है आप सब भाइयों के लिए, पहले तो इसके ऊपर लाइक और शेयर तो करिए, कमेंट ज़रूर करना है कैसा लगता है, और मेरे चैनल JD ब्लॉग्स दिल्ली को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों. एंड जो घंटे वाला बटन है उसे ज़रूर दबाएं क्योंकि मैं यही बार बार चीज़ आपको भाइयों को बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं. अगर क्योंकि आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि मेरे वीडियोस ऑलमोस्ट डेली आ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है. एक बार फिर दोबारा बताता हूँ दोस्तों कि जो सब्सक्राइब वाला बटन के साथ जो घंटे वाला बटन है उसे दोबारा दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें. सो दोस्तों मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ और धमाका करेंगे. और हाँ दोस्तों एक बार फिर आप सब भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ. एंड मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ. गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय.